जय माता है सभी को। जय माता की। एक बार फिर से दोबारा माता की चौकी कराई जा रही है बार्सिलोना में। ये वाली माता की चौकी पैरेलल की मेट्रो के पास होने वाली, जो कि मेट्रो बिल्कुल पास में है। और ये वाली माता की चौकी होटल इनसाइड में होने वाली है। होटल इनसाइड अपोलो। इतवार को ये चौकी कराई जा रही है, जो गीता की तरफ से बार्सिलोना में थर्ड टाइम माता की चौकी कराई जा रही है। जय माता दी सभी को। आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि बार्सिलोना में एक बार फिर से जियो गीता माता की चौकी एक बार फिर से होने वाली है। ये 6 अक्टूबर शाम 5 बजे शुरू होगी और रात 11 बजे तक चलेगी। आप सभी को निमंत्रण है कि आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सभी लोग यहाँ पर आएँ और माता जी का आशीर्वाद पाएँ। और बाकी अधिक जानकारी हमारे पंडित जी वो देने वाले हैं। जियो गीता की तरफ से नवरात्र आरंभ का तीसरा दिन अक्टूबर 6 रविवार शाम 5 बजे से 11 बजे तक माता की चौकी होने जा रहा है। माता जी का दर्शन करके सब परिवार आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। जय माता दी। हेलो एवरीवन, जियो गीता बार्सिलोना स्पेन की तरफ से 6 तारीख को माता जी की चौकी लगने वाली है, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और माता जी के दर्शन के बाद यहाँ पे लंगर भी लगेगा, तो आप सपरिवार 6 तारीख को बार्सिलोना अपोलो होटल में आइए और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने सुन भी बहुत रखा होगा कि माता रानी का जागरण होने जा रहा है, और ये पहली बार नहीं तीसरी बार होने वाला है। पहले तो मैं आप सबसे आपको थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ पर सत्संग हुआ था, आप सब ने हमें बहुत प्यार दिया, आप सब यहाँ आए हमें मिले। तो इस बार भी हम सब मिलकर आप सबको निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप 6 अक्टूबर को माता रानी के जागरण पर ज़रूर आएं और माता रानी का आशीर्वाद लें। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि माता रानी जिसको बुलाना चाहती है उन्हें घर से खींच लेती है, तो आप सब माता रानी के दर्शन के लिए अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर आना। हम आपका यहीं इंतज़ार करेंगे 6 अक्टूबर को होटल अपोलो इनसाइड में। जय माता दी।